हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हलीम एंड आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं एंजल मैसेजेस जो है पास्ट लाइफ मैसेजेस। तो बहुत बहुत एक्साइटेड रहते हैं सब लोग इन कार्ड्स के लिए बिकॉज़ दे आर वेरी रेयर और अब अवेलेबल भी नहीं है। और पास्ट लाइफ कनेक्शन किसको देखना पसंद नहीं है। तो आज मैं आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपका जो नंबर है और इस साल से रिलेटेड क्या कनेक्शन है। ओके, अब जैसे कि हम मिड ऑफ द ईयर आने वाले हैं तो क्या कनेक्शन है आगे के जो 6 महीने हैं। तो देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देते हैं, क्या कनेक्शन बनता है। नंबर वन की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर वन के लिए जो मैसेज आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर वन का जो मैसेज है वो है प्रेयर। तो एंजल्स कह रहे हैं कि आप प्रेयर कीजिए। आप इस साल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने वाले हैं प्रेयर्स की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, गॉड की तरफ, डिवाइन एनर्जीज की तरफ। तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं ना कहीं किसी लाइफ में, अभी जो इस साल का जो नंबर है और आपका जो नंबर है वन, उसमें कहीं ना कहीं आप पास्ट लाइफ में कोई मॉन्क रहे हैं, कोई नन रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल लीडर या स्पिरिचुअल टीचर रहे हैं आप, जिसकी वजह से आप में ये जो कैपेबिलिटी है वो है। तो ये जो पैटर्न है ये ही आपके रिलेशनशिप्स पे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिकॉज़ आपको पता है कि वो लोग कैसे रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली में नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो आप ज़रूर इस चीज़ के लिए कुछ थेरेपी कीजिए, हीलिंग कीजिए, सो दैट ये जो एनर्जी है पास्ट किसी स्पिरिचुअल टीचर या मॉन्क की या नन की जो अकेले रह रहे थे, तो वो आपके रिलेशनशिप्स में, करियर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जो अभी ब्लॉकेज आ रही है दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस। ओके, तो आप जो आजकल स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसी की वजह से है। ओके, कुछ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कुछ मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, अगर पॉवर्टी है तो इसके लिए आप इस चीज़ को रिलीज़ कीजिए ज़रूर। एंड आप ये लाइन भी बोल सकते हैं, यू कैन नोट डाउन, एक अफर्मेशन है। जो भी एंजल मैसेजेस आए, जो एंजल गाइडेंस आए, मैं आपको वही गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आई हेयर बाय सेवर एंड रिलीज एनी वाउज दैट आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ टाइम फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। तो आपने कुछ भी ऐसे वाउज लिए, कोई ऐसे शपथ ली है, कोई कुछ ऐसा सोचा है तो उसको हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में है वो चीज़, किसी भी टाइम फ्रेम में है, उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये था नंबर वन के लिए गाइडेंस रिलेटेड टू पास्ट लाइफ, ठीक है। दे आर वेरी वेरी मैजिकल। जो ये मैसेज आया है वो आप देखेंगे बहुत हद तक वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा, अगर आप इसको सुनते हैं, इसमें जो भी चेंजेस बताए जा रहे हैं वो आप करते हैं तो। एंड ये ज़रूर आपकी लाइफ में लिंक करता है आपको। नंबर टू का जो मैसेज आया है, नंबर टू का इस साल के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए हमने एक लाइफ नहीं जी होती और एक लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो इस लाइफ से रिलेटेड ऐसा नहीं है कि एक ही पास्ट लाइफ है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी पास्ट लाइफ में से हम आए हैं, बहुत सारी पास्ट लाइफ हमने देखी है, आपने उससे गो थ्रू किया है। तो हर एक लाइफ से कोई ना कोई एक चीज़ हमारी इस लाइफ में आती है, कोई ऐसी हॉबी, कोई ऐसा इंटरेस्ट, कोई ऐसा फीचर, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी बीमारी, कुछ ऐसा चीज़ें आती हैं जो हमारी पास्ट लाइफ के साथ अटैच्ड थी और वो इस लाइफ में ट्रांसफ़र हुई हैं, कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, ठीक है। सो जो नंबर टू का मैसेज आया है देखिए, जो मैसेज आया है वो कार्ड आया है ऑर्फन का, ठीक है। तो मैं आपको मैसेज बताती हूँ नंबर टू के लिए। ये कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आप किसी एक लाइफ से भी ज़्यादा लाइफ में आपने ऑर्फन की तरह लाइफ जी है, जब आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए आपकी लाइफ में अभी ये अबैंडनमेंट का जो फियर है करेंट लाइफ में वो आपके अंदर इसलिए है। तो नंबर टू वाले, इस साल जो आपका लाइफ का जो पाथ चल रहा है इसमें आप जरूर कुछ चेंजेस कीजिए, सो दैट ये जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ का इसको हम रिमूव कर सकें। ओके,
आपकी ऐसी लाइफ थी जिसमें आपके पास मदर का, फादर का प्रोटेक्शन नहीं था, लव नहीं था, सपोर्ट नहीं था, ठीक है? तो आप अभी भी इस लाइफ में ऐसा कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं, इट्स नॉट कि उनका सपोर्ट नहीं है, बट कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है उनके साथ, या हो सकता है आपको पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ा हो, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप वो नोट डाउन कर लेना, ठीक है? एंड अपने इमोशंस को आपको चेंज करना है। इमोशंस अगर आपके ऐसा चल रहे हैं कि लव की कमी है, केयर की कमी है, तो आप इस चीज़ को सॉल्व कीजिए, ओके? आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ स्पेंड कीजिए। आप अपने पेट्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। एंड और इस चीज़ को आपको अपने मन में रखना है कि दिस इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ टू बी एन ऑर्फन। तो आपके पास सब कुछ है, ओके? अपने माइंड से इस थॉट को निकालिए। एंड पास्ट में जो आपके साथ थे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पेट्स, वो हेवन से आपको देख रहे हैं, दे आर ब्लेसिंग यू, ठीक है? अगर आप अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हैं, अगर आप अकेले अकेले रहना चाहते हैं, देन डोंट डू दिस। आप क्या करेंगे, आप किसी काउंसलर से बात कीजिए, इमोशनल हीलिंग कीजिए, एंड आप अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। यू कैन वॉच माई वीडियो, हार्ट चक्र के ऊपर मैंने वीडियो पोस्ट किया, तो आप उसको यूज़ करके अपने लाइफ से ये जो एक इमोशन है, इसको आप रिमूव करेंगे। अब बात करती हूँ मैं नंबर थ्री की। नंबर थ्री का जो मैसेज है वो है विजडम। हर एक नंबर का जो मैसेज आ रहा है वो आपके एक पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ओके? अब ये जो मैसेज है, दे आर सेइंग कि जो विजडम है, जो नॉलेज है आपके पास, ये इस लाइफ टाइम की नहीं है, ये किसी लाइफ टाइम से आपको मिली है। तो हर एक लाइफ से हमें कुछ मिलता है, अच्छा भी, बुरा भी, बीमारी भी, आप में कैपेबिलिटी भी, एबिलिटी भी, इंटरेस्ट भी, टैलेंट भी, ठीक है? तो अभी जो ये नॉलेज है, ये आपकी किसी प्रायर लाइफ टाइम से है, और इसको आप अभी यूज़ कीजिए अच्छे के लिए, ठीक है? तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी जो एक कार्ड आया, दे आर सेइंग दैट अभी अवेकनिंग हो सकती है, आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अडाप्ट कीजिए, इसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? दे आर सेइंग कि दैट इट्स टाइम फॉर यू टू रिटर्न टू स्कूल और सीक एडिशनल एजुकेशन ऑफ सम सॉर्ट। अगर आप कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आप कुछ आगे कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं, आप एजुकेशन रिलेटेड और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, देन यूज़ दिस नॉलेज, ठीक है? आपकी लाइफ में कुछ करियर रिलेटेड कुछ पाथ चेंज होने वाला है, तो ये बहुत पॉजिटिव रहेगा, और आप इसको अपने इंटरेस्ट और पैशन को यूज़ कीजिए। सी, जब भी हम किसी चीज़ को जानते हैं, अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हीलिंग ऑल्सो एंड फॉर ग्रोथ ऑल्सो। तो जब अवेयरनेस हुई कि ये हमें मिला है हमारी पास्ट लाइफ से, क्योंकि जब जो चीज़ पास्ट लाइफ से मिलती है वो आपके अंदर है, वो सीड है, बट उसको कैसे स्पार्क करना है, कैसे उसको ग्रो करना है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अवेयरनेस हुई, आप इस एबिलिटी को अपने यूज़ कर सकते हैं। अभी नंबर फोर के लिए जो मैसेज आया है, दे आर सेइंग फॉरगिवनेस, ओके? सो दिस इज द कार्ड, फॉरगिवनेस। आज मुझे लगा कि मैं आपके लिए एक पास्ट लाइफ का मैसेज लूँ। सो इट्स ऑलवेज, जब भी हम एंजल कार्ड्स निकालते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें इंट्यूशन होता है। तो ये जो मैसेज आया है नंबर फोर के लिए फॉरगिवनेस का, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जिसमें आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको उस पर्सन को फॉरगिव करना होगा, ओके? तो फॉरगिव कैसे करते हैं, जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है, फॉरगिवनेस हम हार्ट से करते हैं, दिल से करते हैं, ठीक है? तो फॉरगिवनेस के लिए आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है? कुछ भी ऐसी ओल्ड मेमोरी या ओल्ड स्टोर्ड एंगर है, उसको रिलीज़ करना है आपको, ठीक है? तो आपको अवेयर नहीं हो आप चाहे कॉन्शियसली, बट आप कहीं ना कहीं कुछ होल्ड कर रहे हो, कोई ऐसी रिजेंटमेंट होल्ड कर रहे हो अपने अंदर, तो एंगर जो है उसको आपको बाहर निकालना है फॉरगिवनेस को। सो यू कैन डू हार्ट चक्रा मेडिटेशन, या फॉरगिवनेस के ऊपर भी बहुत सारे मेडिटेशन हैं मेरे यूट्यूब पे। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन व्हाट्सएप मी, विल शेयर यू द लिंक, ओके? तो अभी आपको डिटॉक्सिफाई करना है अपने आप को, जो भी आपके अंदर स्टोर्ड एंगर है, कोई भी ऐसा गुस्सा है जो आपके अंदर स्टोर किया हुआ है,
उसको फॉरगिव कर रही है, ठीक है, कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है उसको हील कीजिए। इस सिचुएशन को हील करते ही आपकी इस लाइफ टाइम में जो प्रॉब्लम चल रही है कुछ रिलेशनशिप की, इमोशंस की, या कोई ऐसी नेगेटिव या हार्मफुल इमोशंस जो भी हैं, आप उनसे फ्री हो जाएंगे। अब बात करती हूँ मैं नंबर 5 की। नंबर 5 के लिए जो मैसेज आया है वो मैसेज मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। दिस कार्ड रिवील्स योर पास्ट लाइफ टाइम एज अ हीलर। तो अभी आप कहीं ना कहीं कुछ आपके अंदर ऐसी एनर्जीज हैं, नंबर 5 के लिए जो मैसेज है, जो अगर आपके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटीज हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ सम पास्ट लाइफ, ये आप नॉलेज लेकर आए हैं पास्ट से, तो अब इसको आप आगे बढ़ाएंगे अनकॉन्शियसली, ओके। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं हीलिंग की नॉलेज है, जो नेचुरल हीलिंग गिफ्ट है, हम बोलते हैं ना कि ये गॉड गिफ्ट है अपने अंदर से ये, तो अगर आपके अंदर ये स्पार्क है, ये सीड है, सो दिस इज़ नेचुरल फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। तो आप कहीं से अगर आप हीलिंग नहीं करते हैं तो आप ज़रूर हीलिंग फील्ड में एंटर कीजिए, देखिए कि आपकी सोल को बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपकी सोल बहुत रिलैक्स्ड होगी, ठीक है। तो ये आपकी पास्ट से अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो ये इस चीज़ को ज़रूर यूज़ कीजिए। बात करती हूँ मैं नंबर 6 की। नंबर 6 का जो मैसेज आया है वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 6 के लिए अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मैसेज नाइटहुड, ये बोलता है कि वंस अ नाइट इज ऑलवेज अ नाइट, ओके। तो ये जो मैसेज है ये बोल रहा है आपको इनर, आपके अंदर जो एबिलिटी है सबको प्रोटेक्ट करने की, सबको हेल्प करने की, ओके तो ये आपके अंदर जो आई है ये किसी एक पास्ट लाइफ से आई है, ठीक है। तो आप देखिए कि आप रिलेशनशिप्स में, करियर्स में हमेशा सबको सपोर्ट करेंगे, सबकी हेल्प करेंगे। तो आप एक ऐसा प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपका प्रोटेक्टर का रोल हो, गार्जियन का रोल हो, ओके। तो आप ऐसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैं जिसमें आपका ऐसा रोल है, प्रोटेक्टर, गार्जियन, मोटिवेटर, या सबको एक साथ लेकर चलना, तो ये आपके अंदर एबिलिटी किसी एक लाइफ से आई, तो इसको यूज़ कीजिए। जब जब हम अपनी एबिलिटीज़ जो हमें पास से गिफ्ट में मिलती हैं उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि हम एक पास लाइफ जी चुके हैं उसके लिए, तो वो बहुत हेल्प करता है हमारी लाइफ में, ओके। सो नंबर सेवन के लिए जो मैसेज है, दिस इज़ द कार्ड एंड दे आर सेइंग कि आप किसी लाइफ में ग्रीस में या रोम में रहते थे, तो उसका इन्फ्लुएंस अभी आपकी लाइफ में है। तो अगर आप कहीं ना कहीं ग्रीस के बारे में पढ़ रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, रोम के बारे में पढ़ रहे हैं और आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, सेवन के लिए, तो अगर आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं वहाँ का रोमन आर्किटेक्चर, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस प्लेस पे आ चुके हूँ पहले से, तो आपने देखा है, तो आप इसको स्ट्रेंज नहीं लीजिए, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं एक लाइफ वहाँ पे जी है, सो यू नो अबाउट दैट प्लेस, ओके। तो उस लाइफ टाइम में आपके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था, जो आपने कोई ऐसे रिलेशनशिप्स बनाए थे जो अभी आपके इस करंट लाइफ में भी हैं, ठीक है। तो एक ऐसी नॉलेज है जो आपके पास, वो आपने उस लाइफ टाइम से ली है, ठीक है। तो अभी आपका जो कनेक्शन है ग्रीस के साथ, रोम के साथ, कुछ एंशंट कल्चर के साथ, एंशंट आर्किटेक्चर के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, तो कहीं ना कहीं आपकी वो मेमोरीज ट्रिगर हो रही हैं, तो आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको देखिए, उस इमेज को देखिए, यू विल फील मोटिवेटेड। बात करती हूँ सेकेंड लास्ट नंबर, नंबर एट का जो मैसेज आया है, दे आर सेइंग द आर्ट्स। तो आर्ट रिलेटेड जो लोग आर्टिस्ट हैं, या आर्ट रिलेटेड अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी एबिलिटी है नंबर एट की, आप एक क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक हैं, टैलेंटेड हैं, तो या फिर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक डिज़ायर है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है, तो ये कार्ड आपके अंदर एक साइन की तरह आया है, क्योंकि आपने एक लाइफ एज आर्टिस्ट जी है, तो इसके अंदर आपके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है, ओके। प्रायर लाइफ टाइम से जो आपको मिला है आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी फ्री बैठे हों, या आप डल फील कर रहे हो, आप सैड हों, तो आप अपनी इस हॉबी को यूज़ कीजिए, जो आपकी एक लाइफ टाइम में आपकी हॉबी थी, आप आर्टिस्ट थे, क्राफ्ट थे, या कोई क्लासेस, क्राफ्ट टीचर थे, या कोई ऐसी क्लासेस कर रहे थे, तो अपनी इनर गाइडेंस को यूज़ कीजिए। लास्ट नंबर, नंबर नाइन के लिए जो मैसेज आया है, फार्म। तो नंबर नाइन
का जो मैसेज है, कहीं ना कहीं आपको फार्म से रिलेटेड बहुत अटैचमेंट होगा, ग्रीनरी, फार्म, एनिमल्स, प्लांट्स. ओके, तो बहुत ही सिंपल और हैप्पी लाइफ आपने जी है. फार्म पे कैसा होता है कि प्लांट्स के साथ है, अपने एनिमल्स के साथ, अपने पेट्स के साथ है. बहुत ही सिंपल लाइफ आपको वो पसंद रही है. ठीक है, तो एंजल्स भी आपके साथ हैं जो आपको फॉरवर्ड लेके जाते हैं आगे कि आप ग्रीनरी की तरफ जाओ. सो गो ग्रीन टाइप, जैसे होते हैं जो लोग हर चीज़ वो करते हैं, हर्बल और ऑर्गेनिक, है ना, और एनिमल्स और नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं. तो ये आपके अंदर जो है किसी एक लाइफ टाइम से आया है, बिकॉज आपके पास एक फार्म था और आप वहाँ पर रह के आए हैं, तो उन सब चीज़ों के साथ आपका कनेक्शन है. ओके, तो आप देखिए कि ये जो आपका कनेक्शन है ये आपको इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं लेकर आ रहा है. कनेक्शंस जो रहते हैं उस लाइफ के, इस लाइफ में भी हमें कहीं ना कहीं वो खींचते हैं. हमारी सोल को अर्ज होता है कि हमें यही चीज़ करनी है. तो आप जो कर रहे हो फिर आप हैप्पी नहीं होते, तो बेटर रहता है कि जो चीज़ हम उस लाइफ में करके आए, हमारे अंदर एबिलिटी, उसको इस लाइफ में भी कंटिन्यू कीजिए. इसीलिए हमारी बहुत सारी हॉबीज़ या बहुत सारे फेसेस होते हैं कि हमें अभी ये पसंद है, अभी ये पसंद है, अभी ये करना है, ये भी मुझे पसंद है. हम कई बार बोलते हैं ना, मूवीज़ देखना पसंद है, डांस करना पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो कहीं ना कहीं किसी लाइफ टाइम से वो आया होता है. सो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप उन सब चीज़ों को यूज़ कीजिए अपने इस लाइफ में टू मेक योर सोल हैप्पी एंड स्पार्कलिंग. थैंक यू. सो विल बी डूइंग मोर रीडिंग्स ऑफ एंजल्स. अगर आपको रीडिंग्स पसंद हैं, आपको एंजल्स के साथ कनेक्शन पसंद है, आप एंजल्स से बात करना चाहते हैं, ऐसे मैसेजेस लेना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए. आई विल शेयर मैनी मैनी मोर मैसेजेस विद यू.